नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ का आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर फोर। चैप्टर फोर का जो जिक्र है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता हो, ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कल को मैं यहां से जीरो हटा दूं तो इस कंडीशन में ये केवल लीनियर इक्वेशन कहलाएगा जिसकी पावर टू होगी, लेकिन जैसे ही हमारा इक्वल लग जाता है उस समय क्या हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपने टेंथ क्लास में दूसरे चैप्टर में पढ़ा भी होगा, और इस कंडीशन को केवल बोला गया होगा पॉलीनोमियल, द्विघात बहुपद। बहुपद कहाँ यूज होगा, जब इक्वल जीरो नहीं होगा, और जब इक्वल जीरो हो गया तो हमारा चौथा चैप्टर चालू हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट चल रहा होता है उसको बोलते हैं हम ए, और एक्स के साथ जो कोफिशियंट चल रहा होता है वो होता है वी, और जो केवल इंडिपेंडेंट होता है जिसके साथ एक्स होता ही नहीं उसको बोला जाता है सी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में बनता है वो बनता है कि चेक करके बताइए दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 1 का इंटू कीजिए x माइनस 3 से इक्वल, और इक्वल में है आपका x प्लस 4 का इंटू करना है आपको x माइनस 2 से। सबसे पहला काम हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना होगा, पहले इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई इस पूरी से करना होगा, ऐसे ही इसका करना होगा, सबको इधर लाना होगा, इक्वल में केवल जीरो रखना होगा, और इतना काम करने के बाद फाइनली जब हमारी कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगी तो हम कहेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा मल्टीप्लाई का करना, और मल्टीप्लाई आपने नाइन्थ क्लास में अच्छी तरह से समझ रखा है। 2x का मल्टीप्लाई जब x से किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद प्लस का इंटू करेंगे माइनस से तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 2 × 3 = 6x, ऐसे ही माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। ये मल्टीप्लाई करना आपको अच्छी तरह से आता है ऐसा हम मान के चलते हैं। प्यारे बच्चों फिर ध्यान दें, x का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो गया x स्क्वायर, उसके बाद करेंगे माइनस 2 से तो हो जाएगा माइनस का 2x, ऐसे ही प्लस का 4x और माइनस का 8। इस तरीके से अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, पहले फाइनली सॉल्व कर लो कि क्या क्या बचा। देखिएगा, हमारे पास है 2x स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब बिरादरी दोनों की सेम होंगी तो दोनों बिरादरी वाले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस वाले कितने हो जाएंगे 7x, और ऐसे ही ये हो गया हमारा प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी 4x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस का 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाइयों की बिरादरी अलग अलग, और जहाँ बिरादरी अलग वहाँ पर लठ चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो कितना बचा, प्लस का 2x माइनस का 8। जितने भी स्टेप यहाँ दे रखे हैं सबको हम इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, जो सिंबल इसके साथ जुड़े होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, पहले तो हम पूरे को लिख लेते हैं, जब इसको इधर लाएंगे प्लस का है माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल में बचा 0। अब इधर देखिए 2x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, कितना बचा x स्क्वायर, ऐसे ही 7x और 2x दोनों भैया माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, माइनस का 9x, और दोनों ये प्लस के हैं तो कितना हो गया 11 इक्वल टू हो गया 0। हमने देखा फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया वो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आया। मतलब कहने का ये है कि पूरी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर एक्स की मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। अगर इसके साथ साथ मान लो ये भी ये नहीं होता
तब हम आपसे पूछ लेते कि बताओ ये हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तब भी हमारा क्वाड्रेटिक होता। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर टू कंपलसरी होता है ये बताने के लिए कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर कल को एक्स भी ना होता तो भी हमारा ये क्वाड्रेटिक कहलाता, लेकिन अगर एक्स की पावर टू वाला स्टेप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता तो बाकी कंडीशन में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट आया उसको देखा, और ये जो कंडीशन है हमारी लिख देंगे, दिस कंडीशन रिप्रेजेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये वाली इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को दर्शाती है, इसलिए हम लिख देंगे कि दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात समीकरण होगा। इसी तरीके से एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसमें एक्सरसाइज 4.1 में एक से लेकर के 10 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके केवल इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनमें पूछा गया है कि चेक करके बताइए दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण होगा या नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपकी समझ में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। आगे के लिए जो नया टॉपिक हमारा आने वाला है उसका तब तक आप वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।